रेप पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने के आरोप में नोएडा पुलिस के साथ वन विभाग की टीम भी जांच कर रही है। केंद्रीय और राज्य वन विभाग की टीमें मिलकर जांच कर रही हैं। वन विभाग की ने जांच के लिए स्टेट और सेंट्रल कमेटी गठित की है। बता दें कि रेप पार्टी में यूट्यूबर एलविश यादव का नाम सामने आया था, जिसकी जांच की जा रही है और छापेमारी के दौरान बरामद हुए सांप के जहर को जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ सभी 9 सांपों का परीक्षण भी करवाने के आदेश दिए गए हैं। चीफ वेटरनरी ऑफिसर की देखरेख में सांपों का मेडिकल परीक्षण होगा और वही जल्द नोएडा पुलिस आरोपी राहुल को कस्टडी में लेकर भी पूछताछ करेगी। इसमें जो FIR दर्ज हुई है उसमें पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और हम लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं। विवेचना का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे ही विवेचना के परिणाम कोई प्राप्त होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। हमारी ओर से इस केस में जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए वन संरक्षक महोदय मेरठ से अनुरोध किया गया था, जिन्होंने वन्य जीव प्रतिपालक मेरठ को इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही जो हमारे प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ है, उनके द्वारा एक कमेटी वन संरक्षक महोदय मेरठ के अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें DFO गौतम उदनगर और DFO गाजियाबाद उसके मेंबर हैं। रेव पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल करने के मामले में अब जांच तेज हो गई है। नोएडा पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी एक्टिव है। उत्तर प्रदेश के लेवल पे एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 लोगों को रखा गया है। साथ ही सेंट्रल भी एक कमेटी बनाई गई है वन विभाग की, वो दूसरे राज्यों से अगर मामला जुड़ता है तो उसकी जांच की जाएगी। इस प्रकरण की बात की जाए तो अभी तक जो जहर बरामद इनसे हुआ था उसको लैब के लिए भेजा जाएगा। पुणे या लखनऊ की लैब में उसका परीक्षण कराया जाएगा। जो 9 सांप बरामद किए गए थे उनका भी मेडिकल कराया जा रहा है। उन तमाम सांपों के मेडिकल के लिए चीफ वेटनरी डॉक्टर जो है उनकी निगरानी में 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है। वो तीनों सदस्य सांपों का परीक्षण करेंगे और इस बात की भी को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन सांपों का जहर निकाला गया या इनके दांत तोड़े गए हैं, किस तरीके से इन सांपों को कब से इन लोगों ने रखा हुआ था। परीक्षण में तमाम जो चीजें हैं वो साफ होगी। इसी ऑफिस के अंदर तमाम जो बरामद सांप है वो रखे गए। दूसरी तरफ अहम कड़ी इस केस का जो राहुल यादव है, राहुल यादव को अब पुलिस रिमांड लेगी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है राहुल क्योंकि अहम कड़ी इन सांपों को और सपेरों को राहुल उपलब्ध कराया जाता करता था, तो राहुल के एल्विस यादव से किस तरीके के संबंध हैं उस चीज को लेकर जांच तेज की गई है। लिहाजा राहुल का रिमांड कभी भी लिया जा सकता है और सोशल मीडिया पर जितने भी जानवरों के साथ एल्विस यादव या अन्य जो सेलिब्रिटी हैं उनके जितने भी पोस्ट डले हुए हैं उसको लेकर भी वन विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर सांपों के साथ या अन्य जानवरों के साथ जो वीडियो डालने का मामला है उसमें भी बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।